हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस किस हॉस्पिटल में वैकेंसीज चल रही है, क्योंकि आप बहुत बार हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो और आपको सुनने के लिए क्या मिलता है कि अभी यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, या मेल के लिए वैकेंसीज नहीं है, या फीमेल को ही हम रख रहे हैं ना। मतलब जो भी जिस भी वजह से आप रिजेक्ट होते हो, चाहे वहाँ पर वैकेंसी नहीं है, चाहे वहाँ पर मेल के लिए वैकेंसी नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा कि किस हॉस्पिटल में वैकेंसी चल रही है, किस में अभी आपको जाना चाहिए। मतलब अभी इस महीने अक्टूबर के महीने में इंटरव्यू देने का प्लान कर रहे हो तो आपको किस हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जाना चाहिए। आज की वीडियो में मैं 6 आपको ऐसे हॉस्पिटल बताने वाला हूँ यहाँ पे अभी रिसेंट में वैकेंसी चल रही है, तो आपको अगर जाना है तो आप यहाँ पे जरूर ट्राई करना। इंटरव्यू देने से पहले आपको अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है, ये ना हो कि वहाँ पे जाके आपको आप प्रिपेयर नहीं हो और वहाँ पे जाके आपको पता चले कि आपने इंटरव्यू क्लियर ही नहीं करी। तो जो सबसे पहला हॉस्पिटल है वो है फोर्टिस शालीमार बाग। तो यहाँ पे अभी रिसेंट में वैकेंसी चल रही है, इन्होंने ऑलरेडी पोस्ट भी डाली हुई है। इनको आईसीयू कैथ लैब डायलिसिस नर्सेस चाहिए। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है जो कि शालीमार बाग में जाना चाहता है, जब उस साइड पे आप रहते हो, तो आप यहाँ पे जरूर ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने 1 to 6 ईयर्स के एक्सपीरियंस लिखा है और सैलरी पे इन्होंने नॉट डिस्क्लोज लिखा है। कब आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो, तो 9 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक इन्होंने ऑलरेडी पोस्ट डाली हुई है कि 9 से लेके 18 के बीच में हम इंटरव्यूज ले रहे हैं। अगर आप भी जाना चाहते हो तो आप जल्दी से जाके वहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हो। बाकी जाने का जो टाइम रहेगा वो आपको 11 से लेके 4 PM के बीच में कभी भी जा सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है मिनिमम इन्होंने लिखा है कि 1 साल एक्सपीरियंस वाला चाहिए। अगर आपको 1 साल से ऊपर कितना भी एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। आईसीयू, सीसीयू, एमआईसीयू, कैथ लैब, डायलिसिस, हर जगह पे इनको नर्सेस चाहिए। जीएनएम, बीएससी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तब बाकी वॉक इन इंटरव्यू होती है, आप ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं दे सकते हो यहाँ पे। और मंडे टू फ्राइडे के बीच में आप कभी भी जा सकते हो, 11 से 4 के बीच में, ठीक है। यही है मेन जो उन्होंने अपनी वैकेंसी डाली हुई थी। तो जो सेकेंड नंबर पे हमारा हॉस्पिटल है वो है दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, तो DHLI भी इसको हम बोलते हैं। ये पहाड़गंज पुरानी दिल्ली वाली साइड पे पड़ता है। तो अगर आपको वहाँ पे जाने का मन है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है और इसमें अगर आप एक्सपीरियंस लेते हो तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। तो जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो इनको GNM, BSc दोनों नर्सेस चाहिए और एक्सपीरियंस कम से कम 2 से 4 साल का चाहिए, मतलब अप टू 2 ईयर्स होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जा सकते हो। वैकेंसी इनके पास कैथ लैब में भी है, आईसीयू, सीसीयू, CTVS और OT, हर जगह पे इनकी वैकेंसी है। और इनको DNC जो है मैंडेटरी है। एक्चुअली DNC हर जगह पे मैंडेटरी है। अगर आप दिल्ली में कर रहे हो तो दिल्ली की रजिस्ट्रेशन चाहिए, अगर आप नोएडा वाली साइड पे जा रहे हो तो यूपी की रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है। अगर आप गुड़गांव में करना चाहते हो तो वहाँ पे हरियाणा की रजिस्ट्रेशन चाहिए। नंबर इनके दे रखे हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया, आप दोनों में कॉल करके जा सकते हो, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू होती है यहाँ पे भी। तो यही है इसके बारे में। अगर आप यहाँ पे भी जाना चाहते हो तो जाके ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यूज ऑलरेडी चल रही है और हो सकता है नेक्स्ट जो इंटरव्यू है आपकी हो और आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो इसके बाद जो थर्ड नंबर पे है ये है मदरहुड हॉस्पिटल। तो ये पड़ता है गुड़गांव में। ये मोस्टली उनके लिए है जो फीमेल स्टाफ है, क्योंकि इन्होंने इन्होंने स्पेशली मेंशन भी करा हुआ है कि हमें फीमेल स्टाफ ही चाहिए। ये गुड़गांव में पड़ता है और यहाँ पे हरियाणा की रजिस्ट्रेशन मांगते हैं ये। तो 1 से 3 साल एक्सपीरियंस अगर आपको है GNM और BSc के बाद का, तो आप वहाँ पे इंटरव्यू जाके दे सकते हो। बाकी इन्होंने क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन में कि स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए GNM BSc के बाद, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। OT, ICU, NICU और गायनी डिपार्टमेंट है वहाँ पे, तो वहाँ पे मोस्टली वो प्रेफर कर रहे हैं नर्सेस को। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस यही है कि आपको 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बाकी सैलरी जो इनकी है वो नेगोशिएबल रहेगी, आपको जितना एक्सपीरियंस है उतनी ज़्यादा आप सैलरी ले सकते हो। तो नेक्स्ट जो हॉस्पिटल है वो भी बहुत फेमस हॉस्पिटल है, मेदांता हॉस्पिटल, आप सबको पता है, जो कि गुड़गांव में पड़ता है। यहाँ पे भी हरियाणा की रजिस्ट्रेशन चाहिए और इन्होंने ओनली फीमेल स्टाफ के लिए वैकेंसी डाली है। शायद इनके पास मेल स्टाफ भी काफ़ी हो गए, तो इनकी जो रेशियो ये मेंटेन करके रखते हैं, ये 60-70% फीमेल स्टाफ रखते हैं और 30% मेल स्टाफ रखते हैं। तो इन्होंने स्पेशल फीमेल के लिए वैकेंसीज डाली हुई है। अगर आप फीमेल स्टाफ हो और वहाँ पे जाना चाहते हो, आपके पास हरियाणा की रजिस्ट्रेशन, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में इन्होंने भी यही लिखा है कि अर्जेंट हायरिंग फॉर फीमेल फ्रेशर स्टाफ, और अगर 1 से
ऊपर का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको फ्रेशर भी हो आप तो भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फीमेल के लिए ओनली। और यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट किन का है कि जो स्टूडेंट बोलते हैं कि हम आ नहीं सकते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए ये ऑनलाइन आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे ही आपकी इंटरव्यू लेंगे, तो आपको दिल्ली में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिल्ली से बाहर भी रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आके अपनी इंटरव्यू मतलब घर से ही दे सकते हो। सैलरी का फिर वही सीन होता है कि आपका जितना एक्सपीरियंस है उतनी सैलरी है। फीमेल स्टाफ ही रिक्वायर है, तो मेल हो तो आपके लिए तो ये नहीं है, लेकिन फीमेल को यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन में BSc GNM दोनों चलेंगे, और रजिस्ट्रेशन उन्होंने पहले ही लिखा हुआ है कि हमें हरियाणा की चाहिए, तो हरियाणा की रजिस्ट्रेशन आपको लेनी पड़ेगी। इमीडिएट ज्वाइनर, अगर आप चाहते हो कि मैं मतलब यही एक वीक के अंदर अंदर ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो आपके लिए बेस्ट हॉस्पिटल रहेगा, तो आप वहाँ पे जरूर ट्राई कर सकते हो। और यहाँ की मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वो बोलें कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है आपको पहले ही सबमिट करनी पड़ेगी, मतलब ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन उनके पास सबमिट कभी नहीं करनी है आपको, क्योंकि कल को आपका अगर मन करे कि मैं चेंज कर लूँ, तो आपकी जब तक रजिस्ट्रेशन उनके पास है तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए कभी भी ये रिस्क नहीं लेना है, कभी भी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन किसी भी हॉस्पिटल में आपको नहीं देनी है। बाकी इनको ICU वार्ड, NICU, PICU और कार्डिक OT, लेबर रूम, ऑनकोलॉजी और कैथ लैब, हर जगह पे इनको रिक्वायरमेंट्स हैं स्टाफ की, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। बाकी बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिल सकते हैं, आपको हॉस्टल मिलेगा और फीमेल स्टाफ के लिए, ठीक है, और खाना भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कांटेक्ट आप कर सकते हो, नंबर नीचे लिखा हुआ है, और यहाँ पे नीचे ID भी लिखी हुई है जहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा हॉस्पिटल है वो है दिल्ली हार्ट हॉस्पिटल, तो ये जो है ये भी दिल्ली में पड़ता है जागृति इनक्लेव में, तो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। ये अराउंड मुझे लगता है 150 बेड के आसपास है। तो जब मैं भी दिल्ली में फर्स्ट टाइम आया था, मैंने यहाँ पे ट्राई करा था, तो 2019 की बात है जब इन्होंने मुझे 17,000 सैलरी बोली थी 1 साल की एक्सपीरियंस पे। बाकी सैलरी इनकी भी नेगोशिएबल रहेगी, आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो GNM BSc दोनों ही ट्राई कर सकते हैं। ने भी लिखा है कि मस्ट हैव एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, तो एटलीस्ट आपको अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी सैलरी इन्होंने अप टू 35 लिखा हुआ है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यू, लेकिन फिर वही चीज़ आ जाती है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपकी नॉलेज कितनी है ना, उसके हिसाब से वो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी वॉक इन इंटरव्यू रहेगी, मंडे टू सैटरडे आप जा सकते हो 3 to 6 PM के बीच में, ठीक है। एड्रेस इनका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाके आपको मीना जो उसको मिलना है, यहाँ पे उनका कांटेक्ट भी लिखा हुआ है, और बेसमेंट रूम नंबर B1 में आपको जाके इंटरव्यू देनी है, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा हॉस्पिटल है वो है रामा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, तो यहाँ पे भी स्टाफ नर्स और सीनियर स्टाफ नर्स की वैकेंसीज चल रही है, ठीक है। और ये गाज़ियाबाद में पड़ता है, तो जिस भी स्टूडेंट को गाज़ियाबाद में ट्राई करना है तो इनके लिए यूपी की आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी, तो अगर आप यूपी के हो तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अभी 6 दिन पहले ही इन्होंने भी अपनी पोस्ट डाली हुई थी। बाकी इनको भी स्टाफ नर्स सीनियर नर्स चाहिए, ठीक है, और BSc हो GNM हो दोनों ट्राई कर सकते हो, और एक्सपीरियंस रेप्यूटेड हॉस्पिटल मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी अच्छे हॉस्पिटल का, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और मुझे लगता है 1,000 बेड के आसपास का हॉस्पिटल है, तो इसलिए इनको एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी आपको ये अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेंगे है ना, कैंपस के बीच में ही आपको वो भी दे देंगे, और जो जो भी कैंडिडेट वहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं तो वो अपना CV जो है डाल सकते हैं। तो साइट में इनकी हाईलाइट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे इनको डायरेक्ट अपना CV सेंड कर सकते हो, या फिर आप अपना व्हाट्सएप पे भी इनको CV सेंड कर दे सकते हो, तो यह व्हाट्सएप का नंबर इन्होंने दे रखा है ऑलरेडी। तो ये 6 हॉस्पिटल है यहाँ पे, अभी रिसेंट में वैकेंसीज चल रही है, तो आप ज़रूर ट्राई करो वहाँ पे। ये सारे हॉस्पिटल की अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो आपकी एक अच्छी डिसेंट सैलरी लग जाएगी, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको इंटरव्यू क्लियर करने में दिक्कत होगी, जो आपको लगता है कि मैं इंटरव्यू देने चला तो जाऊँ लेकिन मैं क्लियर नहीं हो पाया, तो फिर क्या फ़ायदा है ना, तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरे कोर्स के दौरान आपको मैं हर वो क्वेश्चन के लिए रेडी करूंगा जो भी वहाँ पे पूछा जाएगा, जो भी मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, जो भी मैं क्लासेस आपकी लूंगा, जो भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा, 95% क्वेश्चन आपको वही आएंगे जो आप पढ़ोगे। तो अगर आप इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी तक 100 से ज़्यादा स्टूडेंट को मैंने इंटरव्यू क्लियर करवा दी है। तो अगर आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर आपको दिक्कत आती है तो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो।
और इसके बिना अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभी PSRI हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्यूसडे को जाके आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे वैकेंसीज चल रही है, ख़ास करके अगर फ्रेशर नर्सेज हो। और मैक्स जो साकेत है और मैक्स जो स्मार्ट है, ये दोनों पास में ही है, दोनों मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास में पड़ते हैं, तो जहाँ पे जाके भी आप इंटरव्यू दे सकते हो। और अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अपने बेड भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इनको अभी के लिए काफ़ी स्टाफ चाहिए, तो बल्क में स्टाफ ही ये ले रहे हैं। तो अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो और नर्सिंग की जॉब और नर्सिंग की नॉलेज के बारे में जुड़े रहिए, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।